नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ONGC की तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है डिप्लोमा और ITR वालों के लिए। सभी ITR के ट्रेड के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने दे रखा है। लगभग 2500 की ये रिक्रूटमेंट है, राइट? किसके लिए? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। एक साल की ये ट्रेनिंग चलेगी, स्टाइपेंड अच्छा खासा दे रहे हैं, ओके। और बहुत थ्रूआउट द इंडिया सभी जगह की वैकेंसीज है, मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको समझा दूंगा, चलिए, राइट? तो ये अप्रेंटिसशिप का है, तो देहरादून वर्क सेंटर पे आपको 114 सीट्स मिलेगी, सभी ITR की ट्रेड्स है इसमें। फिर दिल्ली के लिए आपको लगभग 40 सीट्स मिलेगी, जोधपुर के लिए आपको 5, तो नॉर्थन सेक्टर में आपको 159 सीट्स है। फिर उसके बाद में मुंबई 303, तो मुंबई में ही है, उसमें ऑफिस असिस्टेंट के लिए लगभग 104 सीट्स है, राइट? फिर उसके बाद में सबसे ज्यादा कोपा के लिए है, राइट? कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 38। फिर उसके बाद में गोवा, अरे अच्छा खासा रह लो यार, वहां जाके 25 सीटें हैं, क्लियर? फिर उसके बाद में हजीरा में लगभग 45 सीट है, उरन में 63 सीट है, 436 लगभग आपको मुंबई सेक्टर में मिलेगी, क्लियर? उसके बाद में कैम्बे में 71 सीट है। फिर उसके बाद में वडोदरा में 112 सीट्स है, 112। फिर अंकलेश्वर में लगभग 173 सीट है। अंकलेश्वर के बाद अहमदाबाद में लगभग आपको 165 सीट मिलेगी। मेहसाना में आपको 211 सीट मिलेगी। वेस्टर्न सेक्टर में लगभग 732 सीट्स है, क्लियर? फिर उसके बाद में जोरट में आपको लगभग 132 सीट्स है। फिर उसके बाद में सिलचर में 71 सीट है, राइट? नजीरा यानी शिवासागर में लगभग 390 सीट है। इसमें देखो, ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहां भी 110 सीट है, तो लगभग ईस्टर्न सेक्टर के अंदर 593 सीट्स है। फिर उसके बाद में चेन्नई, साउथर्न सेक्टर की बात चल रही है, 50 सीट्स है चेन्नई में, राइट? ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहां भी 21 है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए 21 है, क्लियर? काकीनाडा में आपको 78 सीट्स मिलेंगी। उसके बाद में रजा मुंद्री, उसमें के अंदर 102 सीट्स है। फिर उसके बाद में कराईकल में 148 सीट्स, ऐसे कुल मिला के साउथर्न सेक्टर में 378 सीट्स आपको मिलेगी, राइट? अगरतला में 147 सीट्स है, कलकत्ता में 31 है, बोकारो में आपको 24, ऐसे कुल मिला के सेंट्रल सेक्टर में 202 सीट्स है और ग्रैंड टोटल आपका 2500। इतनी बड़ी अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है, राइट? अब देखो, इसके अंदर एज लिमिट क्या है? 18 का मिनिमम एज लिमिट है, 24 का मैक्सिमम एज लिमिट है। SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, राइट? ट्रेड डिसिप्लिन और उसका क्वालिफिकेशन, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 10th पास चाहिए, कैबिन और रूम अटेंडेंट के लिए 10th पास चाहिए, ड्रेसर के लिए 10th पास चाहिए, हाउसकीपर के लिए 10th पास चाहिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12th पास चाहिए। और इसी की सबसे बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे वैकेंसीज है। फिर बाकी ITR के ट्रेड है और उनसे रिलेवेंट आपको एजुकेशन चाहिए, मतलब फिटर के लिए फिटर का, वेल्डर के लिए वेल्डर का, वायरमैन के लिए वायरमैन का, क्लियर? ये सभी ITRs के। अब देखो, आपको स्टाइपेंड कितने वाला मिलने वाला? ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 9000 का, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है उनके लिए, डिप्लोमा के लिए 8000 का और ट्रेड वाइज ITR वालों के लिए 7000 का, क्लियर? सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या होगी? तो क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको उसके मेरिट लिस्ट पे मिलेगा, क्वालिफाइंग जो एग्जाम है आपकी उसके बेसिस के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट लगने वाला है, क्लियर? उसके डेट्स भी गिवन है, आप लास्ट 20 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो, 5 सितंबर को आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी, रिजल्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा, क्लियर? तो ये मेरी तरफ से पूरी आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी, वो दे चुका हूं मैं। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। इंडिया में जितनी सारी रिक्रूटमेंट आएगी मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।